नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मोहिनी। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसको आप सभी बुलाते हैं स्वस्थ विचार। दर्शकों, अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में रोग की अवस्था आ चुकी है, चाहे वो अवस्था तीव्र हो चाहे वो मध्यम, आप उस बीमारी को आयुर्वेदिक उपचार से नियंत्रित कर सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में प्रकृति से मिलने वाली वस्तुओं के माध्यम से, जड़ी बूटियों के माध्यम से अपने सारे रोग को ख़त्म कर सकते हैं और एक निरोगी काया जी सकते हैं। और ये सारा ज्ञान हम आपको इस कार्यक्रम स्वस्थ विचार के माध्यम से पहुंचाते हैं और इसमें हमारा साथ देते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार दर्शकों, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको बहुत परेशान कर रही है या फिर आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो बेझिझक होकर आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं वो क्या कारण है जिससे आप परेशान हो चुके हैं और जिससे कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पे नंबर चलाया जा रहा है। गुरुजी, अब मैं आपसे कोई बीमारी के बारे में बात नहीं करूंगी, एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करूंगी जिससे कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या कहीं आग लग जाती है तो अगर हम जल जाते हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए और कैसे आयुर्वेद के माध्यम से आग के जो घाव हो जाते हैं वो ठीक हो सकते हैं। देखिए बेटा, मुरली के अंदर हर एक रोग को ख़त्म करने की क्षमता है। जैसे जल जाते हैं तो जलने के बाद शरीर में पानी के फफोले भी खड़े हो जाते हैं, और यदि आपको उसी टाइम मुरली मिल जाती है, मुरली को अच्छी तरह पीस के चटनी बना के इसकी उस पर लेप कर दें, फफोले नहीं खड़े होंगे, पानी नहीं भरेगा। यदि भर भी चुका उसके ऊपर लगाते हैं तो जैसे गुब्बारे में छोटा सा सुराख करके वो निकल जाता है, ऐसे ही वो पानी इसका लेप करने से अपने आप चमड़ी फट कर निकल जाता है और जो जलन होती है उसमें शांति पड़ जाती है, उसमें किसी किस्म की जलन महसूस नहीं होती। और उसके बाद जो जले हुए के दाग पड़ते हो, दाग भी नहीं पड़ते। मूली के अंदर जो गैस है और इसकी गंध है, ये सेप्टिक नहीं होने देती। पुराने से पुराना भी जले हुए का कितना भी बड़े से बड़ा जख्म है, जब मूली को पीस करके मक्खन जैसी मुलायम करके जख्म के ऊपर भी लेप करते हैं तो जख्म में ठंड पड़ती है और चमड़ी बड़ी जल्दी भरना शुरू हो जाती है और घाव बड़ी जल्दी भर जाते हैं। जिनके चार चार पाँच पाँच महीने के जले हुए जख्म थे, वो भी मूली के द्वारा ऐसे भरे हैं जैसे रोड पे दाएं बाएं की मिट्टी लाके रोड का मजदूर उस गड्ढे को पूरा करके गाड़ी का जंप रोक देता है, ऐसे शरीर में चमड़ी को गली हुई को रोकना और भयंकर से भयंकर जख्म को भरना, ये मुरली का एक किस्म का रामबाण है। परंतु मुरली जो है वो ताज़ी लानी है खेत से निकाल के, यानी कि आज निकाली और 10 दिन के बाद उसको काम में ले रहे हैं तो उसके अंदर जो उसका रस था वो भी उड़ जाता है और जो उसकी महक थी अंदर, गैस थी, वो भी खत्म हो जाती है। गुरु जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगी, आगे आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे किस प्रकार मूली के द्वारा हम अगर आग से जल जाते हैं तो कैसे उससे हम घाव भर सकते हैं। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं। हमारा नाम दीप्ति है, हम जी पटना से बोल रहे हैं। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं, बताइए क्या जानना चाहती हैं, क्या समस्या है आपकी। जी, हमारे पिताजी के कमर में दर्द होता है, वो चल नहीं पाते हैं। जी जी गुरु जी, देखिए कमर में दर्द होने का मुख्य कारण होता है कि रीढ़ की हड्डी के अंदर गैप आ जाता है, गैस रुकती है, उससे अंदर नसें दब जाती हैं, फिर आदमी को सोने में, बैठने में, उठने में, चलने में, फिरने में तकलीफ होती है। मेडिकल साइंस में तो इसका ऑपरेशन करके इसको रोकने की कोशिश करते हैं परंतु रुकता नहीं है, और पेन किलर खिला के उसको सुन कर देते हैं, रोग को काटते नहीं हैं। मेरे स्वास्थ्य विचार में हर एक रोग को जड़ से काटते हैं। मैंने तो पूरे संसार को चैलेंज किया, चाहे मेडिकल साइंस है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे नेचुरल चिकित्सा वाले हैं, कि जो रोग आपकी समझ से बाहर है उस रोगी को आप मेरे आश्रम में लाइए, जिस दिन लाना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला
करा के बड़ी इलायची मुंह में रखते हैं चूसने के लिए, 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा, फिर मैं बताऊँगा कि इसको क्या रोग है और आपने कौन सी दवाई गलत दी है, और उसी दिन उसमें 10 से 15% उसको आराम भी करा दूंगा। तो आपके साथ यही होगा कि आप बुधवार छोड़कर वीरवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए, जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रखकर चूसते रहें, सुबह 10 से 12 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा, नाड़ी परीक्षण में जो भी आपके शरीर में कोई भी किसी का रोग हो सब दवाइयाँ दी जाएंगी, और कमर में एक पट्टी की जाएगी दवाई देके, वो पट्टी आपको 15 दिन लगातार करनी पड़ेगी जैसे मैं यहाँ कराऊँगा। तो जिस दिन पट्टी करेंगे उसी दिन आपका कमर का दर्द बिल्कुल बंद हो जाएगा, आधे घंटे के बाद आपको दर्द का नामोनिशान नहीं मिलेगा, परंतु ये पट्टी लगातार 15 दिन करनी पड़ेगी, तब आपका कमर का दर्द हमेशा के लिए समाप्त होगा। जी बिल्कुल, आराम आपको बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको जैसे कि गुरुजी ने बताया नाड़ी परीक्षण कराना होगा, उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि आपके शरीर की अवस्था आखिरकार क्या हो चुकी है और किस प्रकार इन सारी बीमारियों को आप आयुर्वेद के माध्यम से दूर कर सकते हैं। इस प्रकार की और जानकारी लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं। मेरा नाम श्याम सिंह है। जी जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं गुरुजी से। हाँ मैं गुरुजी से जानना चाह रहा था, मैं 8-10 महीने से जो है कहना की भरतगढ़ की बीमारी पिस्टोला बोलते हैं इसके पीड़ित हूँ। जी जी पहले यहाँ साफ सुथरे से जो है इलाज हुआ है आपका। जी गुरुजी 8-10 महीने से भगंदर की दिक्कत है। देखिए इसका उपचार तो पूरे संसार में मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है, स्वास्थ्य विचार में भगंदर को मिटाना ऐसा काम है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना है, परंतु इसके लिए आपको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आना पड़ेगा, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें, और सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा, उसके बाद आपको दवाई खाने की पीने की मालिश करने की और आँख में नाक में डालने की दवाई दूँगा, उससे आपका दर्द उसी दिन कम से कम 10 से 15% कम हो जाएगा, और 15 दिन में 50 से 60% परिवर्तन आएगा, 1 महीने में आपका भगंदर का नामोनिशान नहीं रहेगा, परंतु होगा तभी यदि आप परहेज कर सकते हैं, परहेज नहीं करें तो मेरे आश्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। जी गुरुजी बहुत अच्छी जानकारी दी और बिल्कुल दर्शकों आराम आपको बिल्कुल मिल जाएगा, फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको भी साथ देना होगा, परहेज करना होगा, साथ ही साथ स्वस्थ विचार आश्रम की कुछ नियम होते हैं उनको अपनाकर आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। अगर आप स्वस्थ विचार नियम जानना चाहते हैं तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पे नंबर चलाए जा रहे हैं, उस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं। मैं गदर से बात कर रहा हूँ, हरियाणा से, नाम मेरा महेंद्र है। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या है आपकी। मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है, बाईपास हो रही है, घुटनों में दर्द है। जी देखिए आप बुधवार छोड़ के गुरुवार से लेके मंगलवार के दिन में किसी दिन भी मेरे पास आ सकते हैं, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में डाल के चूसते रहना, और सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा, नाड़ी परीक्षण के बाद जो आपको दवाइयाँ खाने की पीने की मालिश करने का तेल दूंगा, यदि इसको करते हैं तो उसी दिन आपके घुटनों का दर्द कम से कम 15 से 20% कम हो जाएगा। बिल्कुल आराम आपको बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जैसे कि गुरुजी आपको जानकारी देते हैं उनका आप पालन करना होगा, साथ ही साथ घरेलू उपचार का पालन करना होगा, उसके बाद आप देखेंगे किस प्रकार आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं। घुटनों में दर्द है जी। जी गुरुजी घुटनों में दर्द है। घुटनों में दर्द का उपचार आप टीवी के माध्यम से नहीं करा सकती है, आप ऐसा करें बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें,
और सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा, और जो मैं दवाइयाँ खाने की पीने की मालिश करने का तेल दूंगा, यदि दवाई खाते हैं पीते हैं मालिश करते हैं तो उसी दिन 10 से 15% आपके घुटनों का दर्द कम हो जाएगा, और यदि नियम से दवाई खाते हैं परहेज करते हैं तो 1 महीने में हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कहते हैं कि आयुर्वेदिक दृष्टि के अनुसार हर व्यक्ति की स्थिति और उसके रोगों को पहचान कर ही उसके रोगों का सही उपचार करना चाहिए, और साथ ही साथ उनके रोगों का निवारण भी हम तभी कर सकते हैं, और ये सारी क्रियाएं संभव तब हो सकती हैं जब आप नाड़ी परीक्षण कराएं। क्योंकि कहते हैं कि नाड़ी परीक्षण आयुर्वेद में एक सिंपल एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि आपके शरीर की स्थिति आखिरकार क्या है और कौन कौन से रोग आपके शरीर में आ चुके हैं। और ये सिर्फ अगर आप करवाना चाहते हैं नाड़ी परीक्षण तो आप वीरवार से लेकर मंगलवार के बीच में गुरुजी के आश्रम में आ सकते हैं। गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण करके वो खुद बताएंगे क्या कुछ रोग हैं और क्या स्थिति आपके शरीर की बन चुकी है और किस प्रकार आपके सारे रोग जड़ से खत्म हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं स्वस्थ होना तो बिल्कुल आश्रम में आइए और देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है और कैसे आपके सारे रोग बिल्कुल दूर जाते हैं और आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और भी जानकारी लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल एक कॉलर बहुत देर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, नाम बताइए और कहाँ से बात कर रही हैं? हम लखनऊ से बात कर रहे हैं जी। बताइए क्या जानना चाहती हैं, क्या समस्या है आपकी? अरे वो पायल के बारे में जानना था कि उसके क्या नाम पेट साफ की अगर दवा खाइए तो उसके क्या नाम उसमें ब्लेड आने लगता, बस यही जानना है। जी जी गुरु जी, पेट साफ। देखिए इसके लिए आपको आश्रम में आना पड़ेगा। आश्रम में आने का नियम है, बुधवार की आश्रम में छुट्टी रहती है, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक की आश्रम में नाड़ी परीक्षण होता है। नाड़ी परीक्षण के बाद पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ हो जाता है। उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती है, दवाइयाँ नियम से खाते हैं परहेज करते हैं तो जिस दिन आते हैं उसी दिन रोग में कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाता है, और परहेज करते हैं तो 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम, महीने डेढ़ महीने में रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अब पेट न साफ होने का एक कारण ही, इसके कई कारण होते हैं, यदि लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर है पेट साफ नहीं होगा, ना भी आपकी ऊपर को चली गई तो पेट साफ नहीं होगा। यदि आपके खान पान में कोई चीज़ आपको माफ नहीं आ रही है और आप ज़बरदस्ती उसको खाते हैं तो पेट साफ नहीं होगा। ये सारा जो निवारण है रोग का ये नाड़ी परीक्षण के बाद ही होता है। मैं नाड़ी हकीम हूँ, मैं डॉक्टर तो होने के रोगी से पूछा और दवाई भेज दी जाओ भाई पैसा खा लो, यहाँ पे रोग काटने का काम है, किसी रोग को दबाने का काम नहीं है। जी गुरु जी बहुत अच्छी जानकारी दी। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं? रमेश कुमार जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या है आपकी? पेट में गड़बड़ हो रही है आज सुबह, खाली पेट। जी जी गुरु जी, पेट में गड़बड़ है और साफ नहीं होता। देखिए जब पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और खाया पिया पचतने पेट में जाके सड़ता है तो ये बीमारियाँ पैदा होती हैं, इसको हम अपाच क्रिया बोलते हैं। इसके लिए आपको TV के माध्यम से जो उपचार बताए मैंने वो उपचार करते तो उससे भी आराम मिलेगा, परंतु पूरा राम तभी मिलेगा जब आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में जिस दिन आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें, फिर सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा, फिर पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी अंदर कमियाँ दिखाई पड़ेंगी दवाइयाँ दी जाएंगे, दवाइयाँ परहेज करके खाते हैं परहेज करते हैं नियम निभाते हैं तो 1 महीने में आपका चाहे कितना पुराने से पुराना रोग है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल दर्शकों, कहते हैं कि आयुर्वेद हमारे रोगों को मुक्त तो करता है साथ ही साथ हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। अगर हम आयुर्वेद के अनुसार अपने जीवन शैली को अपनाते हैं तो बिल्कुल हम सारे रोगों से दूर हो सकते हैं और हमें कोई भी रोग छू नहीं सकता। अगर आप भी चाहते हैं सारे रोगों को दूर करके एक अच्छी जिंदगी जीना, एक स्वस्थ जीवन को जीना, तो बिल्कुल अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आ रहा है, आपके जहन में किसी भी प्रकार की बीमारी आपको हो चुकी है और उससे संबंधित कोई प्रश्न आ रहा है, बिल्कुल हमें बेझिझक होकर कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी TV स्क्रीन पे नंबर चलाया जा रहा है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं
गिरवर सिंह बात कर रहा हूँ, नई दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या है आपकी? मैडम ये मेरी आँख में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मेरी आँखों में रेडनेस और कुछ। जी जी गुरु जी, देखिए ये बीमारी होती है नज़ला बिगड़ जाने से, और इसका उपचार आप टीवी के माध्यम से नहीं करा सकते हैं, और एलोपैथी में इसका बिल्कुल उपचार नहीं है। आप ऐसा करें, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी लें, दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख कर चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएँ, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण के बाद पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ हो जाएगा, और उसमें 5 सेकंड लगने हैं। उसके बाद जो मैं दवाइयाँ लिखूँगा, यदि परहेज करेंगे, दवाइयाँ आप प्रयोग में लाते हैं, तो 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जी गुरु जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। फिलहाल एक और दर्शक बहुत देर से जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी अलीगढ़ से कर रहा हूँ। मुझे सुबह शाम घबराहट होती है, दिल में कोई काम करूँ तो घबराहट होती है, अभ्यास से बैठा रहूँ तो कुछ नहीं होता है। जी गुरु जी, घबराहट होती है। देखिए जब आपके खून में गाढ़ापन आ जाए तो दिल को जो है धड़कन होती है उसको हम घबराहट बोलते हैं, बेचैनी होती है इससे बहुत ज़्यादा। इसका उपचार आप टीवी के माध्यम से नहीं करा सकते हैं, क्योंकि आपका कफ का बढ़ोतरी है, पित्त की बढ़ोतरी है, या वायु की बढ़ोतरी है, वो नब्ज देखने के बाद पता लगेगा। नब्ज देखने का नियम है कि बुधवार की यहाँ छुट्टी रहती है, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण होता है, और जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख कर चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण के बाद जो दवाइयाँ खाने की है, पीने की है, आँख में नाक में डालने की दवाई है, यदि नियम से आप ये करते हैं तो उसी दिन आपको 10 से 15% आराम मिल जाएगा। जी गुरु जी, बहुत अच्छी जानकारी दी, और दर्शकों को आराम आपको बिल्कुल मिल जाएगा। गुरु जी ने जो भी जानकारी दी है उसका पालन करते रहिए और देखिए किस प्रकार आप स्वस्थ हो जाते हैं। गुरु जी, हम बात कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति आग से जल जाता है तो उसके घाव कैसे भर सकते हैं, इसी बारे में जानना चाहूँगी। अगर किसी व्यक्ति को आग लग जाती है, वो बच जाता है, घाव भी भर जाते हैं, उसके बाद कुछ दाग रह जाते हैं, उस दाग को कैसे मिटा सकते हैं? देखिए बेटा, मूली जो है खेत में से ताजी निकाल के लाए हैं, उसको अच्छी तरह धो के, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, पीस के, जैसे मक्खन मुलायम होता है ऐसे पीस के उसकी चटनी बनाएं और उन दागों पे लेप करें, और लेप जो है कम से कम 4 घंटे तक रहना चाहिए। 4 घंटे बाद उसको उतार के दूसरा कर देना चाहिए। तो इससे चाहे दाग है, चाहे जले हुआ का निशान है, कोई भी चीज़ हो, बिल्कुल साफ हो जाते हैं, जो ओरिजिनल चमड़ी थी वैसी उससे बन जाती है। ये एक विशेषता मूली के अंदर है। जी गुरु जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। गुरु जी, और भी जानना चाहूँगी, मूली के अलावा हम क्या कुछ यूज़ कर सकते हैं जिसके माध्यम से ये सारी बीमारी जो भी हमारे शरीर में हो जाती है वो दूर हो जाए? लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए पहले उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ये उत्तराखंड से बात कर रही हूँ, मेरा नाम माधवी है। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं, क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि मुझे का एक 3-4 महीनों से खांसी हो रही है। जी जी गुरु जी, देखिए खांसी का इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में तो है नहीं, आयुर्वेद में भी दवाइयाँ बनाई उनमें फार्मूले पूरे नहीं हैं। आप ऐसा करें, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख कर चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। उसके बाद कुछ दवाइयाँ खाने की, कुछ दवाइयाँ पीने की, कुछ दवाइयाँ मालिश करने की हैं, आँख में नाक में डालने की दवाई है, तो उसके बाद आपको खांसी नहीं आएगी। जैसे खांसी उठेगी, जो मैं दवाई दूँगा उसको लेते हैं, खांसी समाप्त हो जाएगी। खांसी होने का एक कारण, इसका कई कारण है, इसमें सांस की नाली में, फेफड़ों में जो इन्फेक्शन होता है उससे खांसी उठती है। इन्फेक्शन जब तक खत्म नहीं होगा खांसी बंद नहीं हो सकती।
जी गुरु जी ने जो भी जानकारी दर्शकों आपको दी है उसका पालन करते रहिए और देखिए किस प्रकार आप स्वस्थ हो जाते हैं। अगर आप नाड़ी परीक्षण कराने के इच्छुक हैं तो वीरवार से लेकर मंगलवार के बीच में स्वस्थ विचार आश्रम में आप आ सकते हैं। उसके बाद गुरु जी आपका नाड़ी परीक्षण करेंगे, वो खुद बताएंगे कैसे आपके सारे रोग दूर हो सकते हैं आयुर्वेद के जरिए और किस प्रकार एक्यूप्रेशर और योग के माध्यम से आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर चलाए जा रहे हैं, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कार्यक्रम के बाद भी बहुत आसानी से कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं। मैं जय सिंह बोल रहा हूँ पेरे से। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं गुरुजी से। मैं गुरुजी जानना चाहता हूँ जी, मेरे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, नस ब्लॉकेज है। जी जी गुरुजी, रीढ़ की हड्डी में नस ब्लॉकेज। देखिए नस कोई ब्लॉकिंग नहीं होती है, जब रीढ़ की हड्डी खुल जाती है उसमें दब जाती है तो उसमें खून के दौरे में रुकावट आती है। इसका पूरा जो उपचार है वो टीवी के माध्यम से नहीं है, आपको आश्रम में आना पड़ेगा। आश्रम में आने का नियम है कि बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख कर चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा, उसके बाद दवाइयाँ खाने के पीने के मालिश करने का तेल और कमर में पट्टी की जाएगी, वो होगी शाम को 3:30 बजे। पट्टी करने के आधे घंटे बाद यानी 4 बजे के बाद आपको कमर का दर्द बिल्कुल नहीं मिलेगा, परंतु ये 15 पट्टियाँ करनी पड़ेंगी और दवाई नियम से खाते तो 15 दिन में आपका कमर का दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जी गुरुजी, बहुत अच्छी जानकारी दी गुरुजी। वक्त हो चला है आज का विशेष उपचार जानने का, क्या वो आज का उपचार है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए बेटा, सबसे बड़ा उपचार यह है कि आप जितनी आर्टिफिशियल चीज़ें इनका त्याग कर दें। स्वस्थ रहना है तो हमेशा नेचुरली खाना, ताज़ा खाना खाते हैं। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो टीवी के माध्यम से कहता हूँ, पत्थर पर लकीर कहता हूँ, मैं किस चीज़ को घुमा फरा कर नहीं कहता है, मुझे नंगी बात कहना पसंद है। क्योंकि जो बातों को बढ़ा के कहते हैं सिर्फ आदमी का मन जीतते हैं, रोग नहीं काट सकते। मैं तो हर एक रोग को जड़ से काटता हूँ, क्योंकि मैं नाड़ी हकीम हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं थ्योरी नहीं जानता, मैं प्रैक्टिकल जानता हूँ। प्रैक्टिकल में जो भी चीज़ मुझे मिलती है मैं उस रोग को जड़ से मिटा देता हूँ। जी गुरुजी, बहुत अच्छा आज का आपने उपचार बताया किस प्रकार हमें अपना लाइफस्टाइल रखना चाहिए, किस प्रकार खान पान रखना चाहिए। तो दर्शकों, गुरुजी ने आज का विशेष उपचार आपको बता दिया है, उसका पालन करिए, देखिए किस प्रकार आप अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ रहते हैं। और भी जानकारी लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक बहुत आसानी से पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं। मेरा नाम राकेश सिंह है, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं गुरुजी से, क्या समस्या है। समस्या ये है, मेरे दोनों गुर्दों में यानी पथरी हुई है, तो 7 mm की है, 6 mm की है। जी, तो इसके बारे में जानना चाहता हूँ कैसे निकलेगी, कैसे सही होगी। देखिए मेडिकल साइंस में तो इसका उपचार है प्रेशन, और मेरे पास है दवाइयाँ। प्रेशन से भले आपको राहत मिले ना मिले, परंतु जो मेरे पास आके दवाइयाँ खाएंगे यदि परहेज करेंगे तो 1 महीने में चाहे आपकी पथरी कितनी भी बड़े से बड़ी है बिल्कुल साफ हो जाएगी। और जब आप एक्सरा या MRI सीटी स्कैन कुछ भी कराएंगे तो उसमें आपको नेगेटिव रिपोर्ट आएगी, पॉजिटिव में नहीं मिलेगी। बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छी जानकारी दी, तो दर्शकों आराम आपको बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन आपको बस जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद के द्वारा सारी बीमारियों का जड़ से खात्मा हो सकता है। अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं, कार्यक्रम के बाद भी बहुत आसानी से कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। गुरुजी आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, आज का विशेष उपचार बताया, हमारे स्टूडियो में इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
दर्शकों, अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हम पूरी जानकारी देंगे, इस कार्यक्रम स्वस्थ विचार के माध्यम से सही मार्गदर्शन आप तक पहुंचाएंगे और आपको बिल्कुल स्वस्थ बना सकते हैं। अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, आपको हमारा साथ देना होगा, टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी। और साथ ही साथ एक और जानकारी देना चाहूँगी, कार्यक्रम के बाद भी बहुत आसानी से कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है 10 बजे से 5 बजे तक। फिलहाल इस कार्यक्रम में आज इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।